hello everyone online classes class 9th subject science chapter 7 part 2 classification and evolution or jay because all living things are identified and characterized on the basics of their body design in form and function some characteristics are likely to make more bad ranging changes in body design than other others there is a role of time in this as well so once a curtain body design comes into extensions it will save the effects of all other sub subsequent design changes simply because it already exists in other boards characteristics that come into extensions Ill Are likely to be more basic than that बी मोर बेसिक डेट later सभी जीवधारियों के उनके शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और उनका वहीकरण किया जाता है शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज्यादा परिवर्तन लाते हैं इससे समय में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है अतः जब कोई शरीर बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर के बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है दूसरे शब्दों में शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है दिस मीन्स डैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स विल बी क्लोजली रिलेटेड टू देर एवोल्यूशन वाट इज एवोल्यूशन मोस्ट लाइफ फॉर्म्स डैट वी सी टूडे हैव एडिसन वाई एन एसमलेशन ऑफ चेंजेस इन बॉडी डिजाइन डेट अलाउड दोसे डैम टू सर्वाइव बिटर चार्लस डर्मिन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड दिस आइडिया ऑफ एवोल्यूशन इन एटीन फिफ्टी नाइन इन हिज बुक द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस इससे यह पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैविक विकास से कितना नज़दीकी संबंध है जैव विकास क्या है हम इस जितने भी जीवों को देखते हैं वह सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों को इस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक है जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स ड्राविन ने एटीन फिफ्टी नाइन में अपनी पुस्तक दरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था वी वेन वी Connect this idea of evolution to classification, we will find some groups of organisms which have ascent body designs that have not changed very much. We will also find other groups of organisms that have acquired their particular body design relatively recently. Those in the first group are frequently referred to as primitive or lower organism. Will those in the second group are called advanced or higher organism? In re reality, these terms are not quite correct since they do not properly related to the differences. All that ca we can say is that some are older organisms, will some are younger organisms since there is a Possibility that complexity in design will increase over evolutionary time. It might not be wrong to say that older organisms are simpler, while younger organisms are more complex. जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़कर देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं जबकि दूसरे प्रकार के जीवों को उन्नत अथवा उच्च जीव कहते हैं लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं हैं क्योंकि इससे उनकी विभिन्नताओं को ठीक से पता नहीं चलता है इसकी बजाय हम इनके पुराने इनके लिए पुराने जीव और नए जीव शब्द का उपयोग कर सकते हैं चूँकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है इसलिए पुराने जीवों के साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल भी कहा जा सकता है biologists such as ansart, haeckel, 1894, robert whitaker, 959, and carl Bors 1977, have tried to classify all living organisms into both categories, called kingdoms, the classification. whitaker, proposed have five kingdom monera protista fungi planti and animalia and each badly used these group are formed on the basis of their cell structure mode and source of nutrition and body organization the modification was introduced by dividing the monera into एंड यू बैक्टीरिया और बैक्टीरियल इज आल्सो इन यूज आर्नेस्ट हैकेल 1894, रॉबर्ट वीटेकर 1969 और कार्ल बोर्स 1977 नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे संजीवों को जगत किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया विटेकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में पांच जगत हैं मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया ये समूह को उसकी संरचना पोषण के स्रोत और तरीके तथा शरीर संगठन के आधार पर बनाए गए हैं बोर्स ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के में बांट दिया है जो प्रयोग में लाया जाता है फर्दर क्लासिफिकेशन इज डन बाई नामिंग द सब ग्रुप्स एट वेरियस लेवल एस गिवेन इन द फ्लोइंग स्कीम पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उपसमूहों में वहकृत किया गया है किंगडम किंगडम फाइलम फॉर एनिमल अपॉन्डविजन फॉर प्लांट्स क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज जगत किंगडम फाइलम जंतु डिवीजन पद वर्ग मिस क्लास ऑर्डर गढ़ फैमिली मिस कुल मिस बस स्पीसीज मिस जाति दस बाई सेपरेटिंग ऑर्गेनिजम ऑन द बेसिस ऑफ ए एचरी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स वी एरिव एट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज एज सो वाट ऑर्गेनिज्म कैन बी सेट टू बिलोंग टू द्रॉडली ए स्पीसी इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म दैट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड एंड प्रीप्रेट इस प्रकार वर्गीकरण के प्रदानक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे से छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्करण की आधारभूत आधारभूत इकाई तक पहुँचते हैं वहीकरण की आधारभूत इकाई जाति स्पीज है अतः किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे एक ही जाति के जीव वो को ब्रह रूप से काफ़ी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फाइव किंगडम ऑफ बिटेकर आर एस फॉलो बिटेकर द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की पांच प्रमुख विशेषताएं निबत्त हैं मोनेरा डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स नॉट डू एनी ऑफ डेम सो मल्टी सेलुलर बॉडी डिजाइन ऑन द अदर हैंड देश सो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सम ऑफ देम Have cell walls will some do not. Of course, having or not having a cell wall has very different effects on body design. Here, from having or not having a cell wall in multicellular organism, the mode of nutrition of organi organism in this group can be the vice synthesizing their own food hydrotrophic or getting if from the environment heterotropic this group include bacteria blue green algae or sorry monera these organisms do not have a defined nucleus or organelles nor do any of them so multicellular body design on the other hand they show diversity based on many other characteristics some of them have cell wall will some do not of course having or not having a cell wall has very different effects on body design here from having or not having a cell wall in multicellular organ organism the mode of nutrition of organism in this group can be थर वाई सेंथिस देयर ऑन फूड एटोटॉपिक और गेटिंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट एटोटॉपिक दिस ग्रुप इंक्लूड्स बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एलगी और साइनोबैक्टीरिया एंड माइक्रो प्लाज्मा सम एग्जाम्पल्स आज सोन इन फिगर सेवन पॉइंट वन मुनिरा इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक और कोशिकांग होते हैं और न ही इनके शरीर बहुकोशिक होते हैं इनमें पाई जाने वाली भी विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है इनमें से कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है और कुछ में नहीं कोशिका भित्ति न होने कोशिका भित्ति के होने या न होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीव जीवों को शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जीवों में भित्ति के होने या न होने के कारण आय परिवर्तनों से भिन्न होते हैं पोषण के स्तर पर यह स्वपोषी अथवा विषम पोषी दोनों हो सकते हैं उदाहरण जीवाणु नीलहरित सवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्मा कुछ उदाहरणों का में दिखाया गया है थैंक यू